स्वागत है मेरे वीडियो एकॉर्ड व्लॉग्स में। आज हम आपको लेके आए हैं गोकुल धाम पे। तो हमने आपको मथुरा उथुरा सब घुमा दिया है, मथुरा के जो जो इम्पोर्टेंट मंदिर थे, जो जो भी महत्वपूर्ण रास्ते थे, तो हम आ गए हैं गोकुल धाम की तरफ। तो गोकुल धाम की तरफ हम चलते हैं, पुराने गोकुल, नए गोकुल और बहुत सारी जगह चलेंगे, लेकिन वीडियो की शुरुआत गोकुल धाम में हम करते हैं, पुराने गोकुल से, जहाँ पे नंद और यशोदा जी का भवन है। तो चलिए हम चलते हैं। तो आप जब थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको पुराने गोकुल का मार्केट दिखेगा। पहले यहाँ पे मार्केट नहीं हुआ करता था, 5,000-10,000 साल पहले। आप जानते हैं कि उस समय क्या ही माहौल रहा होगा। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट है, यहाँ पे आपको सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा, नाश्ता खाने को। बगल में ही एक पतित पावन कुंड है, इसकी कहानी क्या है अगल बगल लोगों को भी नहीं पता, तो हमको कैसे पता चलेगी। तो अब यहाँ से हम चलते हैं सीधे नंद और यशोदा जी के घर पे, जहाँ पे एक श्री कृष्ण भगवान की छठी मनाई गई थी। मतलब छठवें दिन बाद जो कार्यक्रम होता है छठी मनाने वाला, वो तो वहाँ पे हम चलते हैं। वहाँ पे जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या इंटरेस्टिंग है। तो चलिए अब हम सीधे वहीं पे चलते हैं। तो हम आ गए हैं नंद और यशोदा जी के भवन के पास। ये मुख्य द्वार है उनके घर के पास जाने के लिए। अगल बगल यहाँ पे पंजाबी ढाबा बहुत सारे हैं। यहाँ पे ज़्यादातर आपको पंजाबी या गुजराती ढाबे बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो अगल बगल ये रास्ता जो है ये रमण रेती जी के पास जाता है, ब्रह्मांड घाट के पास जाता है। तो पहले हम चलते हैं नंद और यशोदा जी के घर पे, देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या अनोखा अभी है। तो चलिए हम चलते हैं। जब आप गोकुल में आएंगे तो आपको गोकुल एरिया में बहुत सारी गायें दिखेंगी, और उन गायों में सबसे महत्वपूर्ण आपको देखेगा कि लगभग सभी गाय के पैर में इस तरह की एक कड़ा पहनाया जाता है, ताकि ये कहीं भी चले तो अच्छा आवाज़ करे। और अगर और सुंदर गायें होती हैं तो वहाँ पे एक पीतल उतल का शायद कड़ा पहनाया जाता है, मतलब पायल टाइप में पहनाया जाता है, जिसे देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो अब हम द्वार से अंदर एंट्री ले चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं नंद बाबा के सबसे पहले घर पे। इसके बाद 84 खंबा वाला स्थान था, यहाँ पे इनका छठी हुआ था। छठी होने के बाद ये 84 खंबा मंदिर जो है वहाँ पे वो अपना बचपन बिताए, फिर वहाँ से वो चले गए वृंदावन। बहुत लंबी कहानी है, तो चलिए हम चलते हैं। यहाँ पे आपको जगह जगह झांकी भी कुछ दिखेगी। और यहाँ पे एक कहावत है कि यहाँ पे जो कृष्ण भगवान है उनको सोने की पालना में रखा गया है, और उनके पास कोई भी खड़ा होकर नहीं जाता, मतलब कि शरीर का कोई भी छाया उनके ऊपर नहीं चलता, लोग बकैया चलते हैं। कुछ कहा भी जाता है उसका अभी हमें पता नहीं है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या खास है। बगल में ही यहाँ पे मनोकामना देवी हैं, यहाँ पे आप जो भी मनोकामना मांगेंगे ऐसा कहा जाता है कि वो पूर्ण हो जाता है। तो चलिए देख लिए यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे हम भी मनोकामना मांग के देखते हैं क्या मेरा पूर्ण होता है कि नहीं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो हम लक्ष्मी द्वार से अंदर जा रहे हैं। ये है नंद बाबा के पुराने घर का आंगन। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी ने गोवर्धन जी को उठाया है, तो उसका एक बहुत ही सुंदर दृश्य बना हुआ है। यहाँ पे एक मंदिर है बीच आंगन में ही, ये साधु बाबा उनका चक्कर चला रहे हैं। तो ये जो मंदिर है ये शिव भगवान का है। जब छठी हुआ था तो शिव भगवान यहीं पे आके रूप बदल कर उनका छठी देखे थे श्री कृष्ण भगवान का। तो ये स्थान इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी कमरे में उनका छठी मना था। तो चलिए हम इस कमरे में भी चलते हैं। तो इस कमरे में वैसे मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन कोई है नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस कमरे में आपको पूरे दीवार भर स्वास्तिक जो है गोबर से, गाय की गोबर से स्वास्तिक का निशान मिलेगा। देखेंगे पूरे दीवार भर आपको गाय की गोबर से स्वास्तिक का निशान मिलेगा, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। आप यहाँ पे आए तो अपनी मनोकामना मांगने के लिए, या फिर जब आपके बच्चे की छठी हो, आप अगर यहाँ पे आ सके तो यहाँ पे आके आप इसी तरह दीवार पे बना दीजिए। अंदर जाना सख्त, मोबाइल लेके जाना सख्त मना है, मतलब ले जा सकते हैं लेकिन फ़ोटो नहीं खींच सकते। तो अंदर का दृश्य कुछ इस तरह है, मैंने किसी तरह एक फ़ोटो खींचा है। सभी लोग ऐसे बैठे हुए हैं और चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं। तो आगे सोने की पालना में श्री कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं, अंदर का ऐसा ही दृश्य है और कुछ भी नहीं है। तो हम अब निकलते हैं यहाँ से बाहर। बाहर निकलने के बाद देखते हैं क्या है, नहीं तो फिर अब हम सीधे रमण रेती में चलते हैं।
तो हम निकल चुके हैं बाहर। बाहर निकलने के बाद यहाँ पे बलदाऊ जी का भी जन्मस्थली का एक मंदिर है, कुछ खास नहीं है। तो चलिए अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।